अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुनम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दाई सलीम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला रिएक्शन दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, तो जी हमें तो काफी खुशी हुई है कि बांग्लादेश में काफी एनर्जी के हवाले से काम हो रहा है जी बिल्कुल और दूसरे मुल्कों पे निसार नहीं करना पड़ेगा बांग्लादेश को, जी तो काफी ज्यादा अपने पे ऊपर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट शुरू किए मैंने। हाँ, काफी ज्यादा तरक्की हो रही है बांग्लादेश में। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक और, जैसा कि हम पहले दे चुके हैं खुलना शहर पे, तो जी उसमें काफी पिक्स वगैरह में देखा है, काफी हमें जी अच्छी जगह बिल्कुल लगी है, काफी पसंद आया है। तो इसका ड्रोन व्यू भी हमें मिला हुआ है, तो उस पर काफी रिएक्शन हम देंगे जरूर। लेकिन अब हमें जो लिंक पहले हम जिस पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के हवाले से है, वन ऑफ मोस्ट लग्जरियस रेलवे स्टेशन है। तो इसमें देखते हैं कि क्या बात इसको इतना लग्जरियस कर रही जी है, किस वजह से इसको कहा गया है, तो ये वीडियो देखेंगे तो फिर पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर इस पर आपको रिव्यू देते और हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच रहे।
दोस्तों वीडियो हमने देख लिए है और जैसे कि इसने इन्फॉर्मेशन तो कोई दी नहीं है, ये जी तो हमें बिल्कुल टाइटल से पता चला है कि वाकई खुलना शहर में है, जी शहर से तकरीबन थोड़ा सा दूर ही होगा, जी और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है, वाकई ये खूबसूरत है मोस्ट लग्जरियस जैसे इसने जी बताया है, वाकई वैसा ही है, शनशाही माहौल है एक किस्म का जी इसमें, बिल्कुल पुरसकून माहौल है, पुरसकून माहौल है। और दूसरा इतना इस पे रेलवे पे रश वगैरह रश नहीं है वगैरह हमें नहीं लगा स्टेशन जी पे, तो क्या पता कोई ऐसा वक्त हो जिसमें ज्यादा लोग ना हो, जी ट्रेनों के बिल्कुल टाइम के हिसाब से आते हो लोग, जिस वक्त जी ट्रेन यहाँ आती है तो फिर। तो दूसरा ये बात है, काफी जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई थी इस रेलवे स्टेशन जी की। और इसने बोल के भी नहीं कुछ बताया हाँ कुछ नहीं बताया ना, सिर्फ इसने बस वीडियो शूट की है मुख्तलिफ जगहों से, स्टेशन जी के अंदर से दिखाया है, तकरीबन 3 मंजिल 3 फ्लोर है इसके। जी तो बिल्कुल दूसरा और काफी यार काफी बहुत बड़ा था ना बड़ा वो, था और खूबसूरत भी काफी ज्यादा था एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में काफी पैदल सफर तय जी करना पड़ता बिल्कुल, होगा। तकरीबन 1 1.5 किलोमीटर का होगा हाँ इतना ये लंबा था। और दूसरा बीच में 3 पटियां भी थी रेलवे की, जी बिल्कुल रेलवे ट्रैक भी थे तीन, जी, और तो दोनों तरफ बना हुआ हाँ था दोनों तरफ ना, दोनों तरफ ये बैठने की जगह जी बनी हुई थी, बिल्कुल लोगों के सायेदार जगह बनी हुई थी, जी। काफी कुर्सियां वगैरह। तो दोस्तों ट्रेन का टाइम टेबल इसने वो शूट की हुई थी वीडियो, हाँ जूम लेकिन करके दिखाया तो जी है लेकिन लेकिन हम वो उसको पढ़ नहीं सके जी क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेशी लैंग्वेज में जी। था। तो दोस्तों कम से कम इसमें 120 स्टेशन आते ही होंगे हाँ जो यहाँ से रेल चलती है जी खुलना शहर बिल्कुल से, तो ये काफी बड़े यार एक जी एरिया बन जाता है, काफी लेंथ बन जाती है बिल्कुल। इसकी और काफी बड़ा दूर तक जाती है अगर रेल। इसकी मुकम्मल डिटेल बता देता है कि ये इतने किलोमीटर फर्ज किया है, 200 300 किलोमीटर चलती है, जाहिर बात है हाँ 120 स्टेशन हाँ है काफी ज्यादा होंगे ना, तो जी इसमें बहुत सारे शहर भी आएंगे, बहुत सारे गांव भी जी आएंगे, और कौन तो कौन सी ट्रेन इधर से हाँ गुजरती ये भी हैं पता चल सकता है। अगर कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जिसके बारे में इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताई गई जी हो तो हम उसको जरूर देखने चाहेंगे, उस पर रिएक्शन देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमें तो इसमें की वीडियो से कोई बात समझ नहीं आई सिवाय देखने जी शहर के एक की, जो साइड हम अंदाजा ही पर लगा सकते हैं जी इस वीडियो का बिल्कुल कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, जी जो देखा है वही बता सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन होती तो हमें भी जानने को मौका जी मिलता बिल्कुल कि ये किस हिसाब से लग्जरियस है, क्योंकि जी इसमें तो वाकई खूबसूरत तो काफ़ी है बिल्डिंग जी इसकी रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों हमें तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच तो रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।